नाउ दिस इज आवर लेक्चर थर्ड क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री कर रहे हुए हम चैप्टर नाइन्थ हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम ऑफ कोर्डिनेट कंपाउंड की रूल्स फॉर नेमिंग द फॉर्मूला एंड रूल्स फॉर कोर्डिनेट कंपाउंड करिए ना नेमिंग ऑफ कोआर्डिनेट कंपाउंड नाउ अब उन्हीं के ऊपर हम प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, हम, है है, compound, for, uh, Now, हैं क्योंकि इन आवर कम्पिटिशन एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम इसमें से दो या तीन क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं आई पी एस सी नेम के ऊपर कलियर ना तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है एन ए थ्री सी आर ओ एच की ट्वाइस टॉइस क्लियर भाई तो इसमें मैं आपको साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है प्लस वन चार्ज तो प्लस वन मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस क्रोमीम को मान लिया एक्स जिसका हमने निकालना है क्या मान लिया हमने कितनी बार है वन टाइम हाइड्रोक्सी के ऊपर चार्ज होता है है कितनी बार टू टाइम्स मल्टीप्लाई बाई टू फ्लोरिन के ऊपर चार्ज माइनस वन मल्टीप्लाई बाई फोर टू पर चार्ज कुछ है नहीं दे रखा चार्ज तो चार्ज क्या एगा? जीरो तो प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस टू माइनस फोर इजिकल टू जीरो तो चार और दो छ माइनस का छ माइनस छ प्लस तीन कितना आएगा प्लस तीन तो प्लस तीन क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना प्लस थ्री अगर निकालना कोर्डिनेशन नंबर हमें पता है लिगेंड्स क्या है दो ये हैं चार ये चार और दो छह तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सिक्स होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स बिकॉज दोनों के दोनों क्या है मोनो लिगेंड्स हैं तो चार और दो छ अगर अब अभी चेक करना हो ये हमारा दिया गया कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है या कैटाइनिक है तो हमें पता है इन दोनों को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग कलिये क्योंकि ये हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स आइन इसके ऊपर चार चेक करना हमें सोडियम के ऊपर प्लस वन तीन एक कम तीन प्लस तीन तो इसके ऊपर कितना आ माइनस तीन यानी क्या ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स तो मेटल के नाम में क्या जुड़ जाएगा ए टी ई -E. बताया था मैंने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम में कुछ नहीं जुड़ता बट इन केस ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स द मेटल के नाम में क्या जुड़ता है ए टी ई कलियर ये बात चलिए इसका नाम लिखते हैं पहले हमारी मेटल है तो नाम क्या लिखेंगे सोडियम सोडियम के बाद क्या देंगे स्पेस देंगे फ्लोराइडो और हाइड्रोक्सी तो फ्लोराइडो का एफ पहले आता है अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी का एच बाद में तो टेट्रा फ्लोराइडो डाई हाइड्रोक्सो डाई हाइड्रोक्सो क्रोमियम का क्या हो जाएगा क्रोमेट और ऑक्सीडेशन क्या था तीन रोमन लैंग्वेज में तीन और क्लोज इन टू द स्मॉल ब्रैकेट जिसका क्या बोलते होता क्लियर नाउ सेकेंड वन जो हमारा है एग्जाम्पल सी ओ एन की टू ओ एन ओ सी एल क्लियर इसका ऑक्सीडजन कोबाल्ट का इसको मान लिया मैंने एक्स कितनी बार है वन टाइम वन इथेन वन टू डाईमिन एवेविएशन है ई एन इथेन वन टू डाइमिन चार्ज कितना होता है जीरो तो जीरो मल्टीप्लाई बाई टू प्लस ओ एन ओ क्या होता है नाइट्राइटो ओ है चार्ज कितना होता है माइनस वन टाइम है क्लोरीन के ऊपर माइनस वन ऊपर चार्ज कितना है प्लस वन तो माइनस वन माइनस वन कितना है माइनस का टू एक और एक दो माइनस टू यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर तीन तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस थ्री एक्स वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास प्लस थ्री तो प्लस थ्री क्या है भाई इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना हो तो ये क्या हमारा बाई डेनिस डिजांड दो बार है दो दूनी चार दो दूनी चार एक ये पाँच एक ये हो, एक और एक दो और इसका कितना होता है दो होता है दो दूनी चार चार और दो छह तो कोर्डिनेशन नंबर कितना छह ना कि चार कहीं ये मत कर देना भाई दो और एक ये तीन और एक ये चार चार नहीं होगा क्योंकि इट इज अ अनेट रिजल्ट तो दो बार होगा ये बाई डिटी दे रिजल्ट है दो बार तो दो चार तो चार पाँच छः कितना हो जाएगा सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर छह है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई तीन नाउ इसका नाम लिखते हैं भाई हमारा नाम पहले क्या आएगा क्लोराइडो नाम पहले आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोराइडो अब इसका नाम करना है इथेन वन टू डाइमिन लेकिन इसके बाहर पहले से ही दो है तो एक डाई बीच में यूज हो रहा है इथेन प्रीफिक्स प्रीफिक्स तो बार वाले का नाम चेंज होता है था ना मैंने दो के लिए बीस तीन के लिए ट्रिस चार के लिए टेट्रा टेट्राकिस पांच के लिए पेंटा किस छह के लिए एग्जाकिस एंड सोन तो दो बार है दो बार के लिए क्या हो जाएगा भाई बिस और ब्रैकेट में इसके अंदर लिख देंगे इसको इथेन वन टू डाई अमीन ब्रैकेट बंद ये क्या हमारा नाइट्राइटो और ओ जुड़ता है तो नाइट्राइटो ओ ये क्या हमारा सी ओ सीओ क्या हमारा कोबाल्ट और चार्ज कितना था तीन तो तीन डंडे भाई इसके अंदर एक दो तीन रोमन लैंग्वेज में क्लोज इन टू ब्रैकेट्स क्लियर भाई ये हो गया इसका नाम और चार्ज क्या इसके ऊपर पॉजिटिव तो नाम के पीछे क्या लिखते हो गए आई ओ एन आई एन भी लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा भाई आई ओ एन आयन क्योंकि चार्ज है ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या लिखना पड़ेगा इसके पीछे आयन चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड वन एग्जाम्पल नेक्स्ट वन क्या भाई हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है के थ्री एफ ई सी एन की फाइव ओ ये है हमारा पास एग्जाम्पल भाई क्लियर पहले क्या निकालते हैं फिर से वही ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा पांच ये है एक ये पांच और एक छह कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स ना तो ये दोनों क्या क्या होगा? F -E का निकालना कितना होता है वन, कितनी बार है? तीन, -one, multiply by <laughs> एनो चार्ज तीन होता है? जीरो मल्टीप्लाई बाई वन ऊपर चार्ज कुछ है नहीं जीरो तो तीन एक कम तीन प्लस का एक्स माइनस का पांच 0 एकम, जीरो एक जीरो प्लस का जीरो इजिकल टू जीरो पांच में से तीन गए दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है भाई यहाँ पे प्लस टू प्लस टू ये हमारा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर चलिए अब इसका नाम लिखते हैं पहले क्या है के थ्री पोटासियम तो पहले क्या लिखेंगे भाई पोटासियम उसके बाद स्पेस देंगे फिर पेंटा साइनो क्योंकि साइनो का हमारा सी वाई

फेरेट क्लियर और डंडे के दिन आएंगे भाई हमारे दो रोमन लेटर के अंदर क्लियर तो ये हो गया हमारा इसका नाम क्लियर समझ में आया नेक्स्ट वन अगला एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर तीन एग्जाम्पल भाई एग्जाम्पल फोर्थ की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल फोर्थ क्या दे रखा भाई हमारा जो जल्दी जल्दी करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे क्या भाई हमारे सी आर सी एल टू एन की टून की टू और बाहर क्या CL है भाई सी एल है चलिए ए भाई सी आर सी एल टू ईन की टू सी एल चलिए स्टार्ट करते हैं ए हमारा हमें निकालना क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट पहले इसका कितना होता है एक्स कोऑर्डिनेशन पर कितना होगा भाई दो ए और ये कितना है दो दो दूनी चार क्योंकि इथेन वन टू तो डाइविन क्या है डाई डायडाट तो दो काउंट होगा दो चार और दो छोटे तो कितना हो जाएगा छह कोऑर्डिनेशन पर कितना होगा भाई सिक्स ऑक्सीडेशन निकालते हैं भाई क्रोमियम का एक्स मल्टीप्लाई बाई वन क्लोरीन के ऊपर माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टून के ऊपर जीरो मल्टीप्लाई बाई टू प्लस क्लोरिन फिर से माइनस वन कितनी कुछ नहीं तो यानी जीरो क्लियर क्या है okay. इसका नाम लिखते हैं एक्स माइनस टू प्लस जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तीन तो एक्स के ऊपर कितना प्लस थ्री एक्स के ऊपर कितना प्लस थ्री क्लियर ये बात चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं <coughs> अब इसका नाम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर उसका है ऑक्सीडेशन नंबर अब चेक करते हैं पहले ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है एनैनिक क्लोरीन है क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है माइनस वन अगर इसको अलग करेंगे क्लोरीन के ऊपर कितना होता है माइनस वन तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा प्लस वन कितना चार्ज आएगा भाई प्लस वन तो कैटाइनिक है तो मेटल का नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये क्या हमारा क्लोराइडो है ये क्या है इथेन तो क्लोराइडो का अब क्या नाम आएगा पहले आएगा तो क्या लिखेंगे इसको डाई क्लोराइडो और इसको क्या लिखते हैं बिस बताया था मैंने आपको बिस इथेन वन टू डाई अमीन वन टू डाई अमीन फिर क्या हमारी मेटल का नाम क्रोमियम क्रोमियम चार्ज कितना तीन तो तीन डंडे रोमन में और उसके बाद काउंटर आयन काउंटर आयन क्या अभी हमारे क्लोराइड तो ये क्लोराइड ही रहेंगे याद ना अगर फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमिन आइडीन बाहर है आयन में तो फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आइडाइड

अब इसको अगर अलग करते हैं चेक कर लेते हैं कैटाइनिक है एनआईनी कॉम्प्लेक्स अगर इसको अलग करते हैं सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव वन इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा माइनस वन तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है एनआईनी कॉम्प्लेक्स एनआईनी कॉम्प्लेक्स है तो सेंटर मेटल एटम के नाम में क्या जुड़ेगा ए टी ई चलिए स्टार्ट करते हैं नाम लिखते हैं पहले सोडियम का नाम तो सोडियम उसके बाद स्पेस डाई साइनो डाई साइनो और गोल्ड क्या होता है हमारा ओरेट बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे ओरेट एर ए टी ओ रेट और चार्ज दिन है एक तो एक डंडा क्लियर भैया नेक्स्ट वन नाम करते हैं हमारा मांग के बाद हमारा भाई जो हमारा बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं है। सारे के सारे हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं है। या कंपटीशन है, एग्जाम ही करवा रहा हूं आपको क्लियर ना बिकॉज ये हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से क्या है इंपोर्टेंट है भाई हमारा नेक्स्ट वन सी ओ एन एच थ्री की फोर एच टू ओ सी एल और बाहर क्या भाई हमारा सी एल टू बाहर क्या भाई हमारा सी एल टू चलिए पहले कोऑर्डिनेशन नंबर चार एक पाँच और एक छः तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना होता है सेंटर मेटल एटम क्या मान लेते हैं एक्स तो एक्स कितनी बार है वन टाइम अमोनिया के ऊपर चार्ज जीरो मल्टीप्लाई बाई फोर वाटर के ऊपर चार्ज जीरो मल्टीप्लाई बाई वन क्लोरिन के ऊपर चार्ज माइनस वन कितनी बार है एक और दो एक तीन ऊपर चार्ज कुछ है नहीं जीरो तो एक्स प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो एक्स के ऊपर चार्ज कितना है प्लस थ्री एक्स के ऊपर कितना प्लस थ्री चलिए अब इसका नाम लिख देते हैं ये अमीन है ये एक्वा है तो अमीन पहले आएगा क्लियर ना तो टेट्रा अमीन क्लियर टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो और इसको चेक कर लेते हैं कटाइनिक एनाइनिक इसके ऊपर माइनस एक तो माइनस दो तो इसके ऊपर कितना होगा प्लस टू यानी कौन सा कॉम्प्लेक्स है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स तो कैटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के मेटल का नाम एजिटिज रहेगा जैसा है वैसा ही रहेगा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के नाम में जुड़ता है ए टी ई चलिए नाम लिखते हैं इसका टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट क्लियर और उसके बाद चार्ज कितना था भाई तीन तो तीन डंडे और उसके बाद काउंटर काउंटर आइन क्या है क्लोराइड तो क्या लिखते हैं यहां पे हम क्लोराइड क्लियर भाई ये था भाई हमारा सिक्स वन नेम अगला करते हैं सातवा नाम भाई नेक्स्ट वन क्या एग्जाम्पल भाई हमारे सामने पी टी सी एल एन एच टू सी एच थ्री एन एच टू सी एच थ्री फिर भाई एन एस थ्री की टू और बाहर क्या है सी एल तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक एक दो और दो चार तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा चार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसका है इसका तो क्या मान लेते हैं भाई एक्स क्या मान लेते हैं एक्स चलिए स्टार्ट करते भाई एक्स क्रोस में एक क्लोरिन के ऊपर चार्ज माइनस वन कितनी बार है एक और एक दो बार इकट्ठा कर देते हैं प्लस इसके ऊपर चार्ज जीरो गुणा में एक अमोनिया के ऊपर चार्ज जीरो गुणा में दो ऊपर चार्ज क्या है जीरो तो हमारे पास क्या आएगा एक्स माइनस टू प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस टू क्लियर ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर चलिए अब इसका नाम लिखते हैं ये क्या है क्लोराइडो ये क्या है डाईमीन तो डाई पहले आएगा ये क्या है मिथाइल अमीन एम एन ये और भाई बाद में आएगा क्लियर ना तो पहले डाई डाईअमीन क्लोराइडो डाई अमीन सारे समान लेटर कोई स्पेस नहीं देना है डाई अमीन क्लोराइडो मिथाइल अमीन इसको स्मॉल ब्रैकेट में क्योंकि ये हमारा क्या है एक लिगेंड है कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो मिथाइल अमीन को क्या कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मिथाइल अमीन उसके बाद पीटी क्या है प्लेटिनम क्योंकि चेक कर लो कैसा कॉम्प्लेक्स है क्लोरीन के ऊपर माइनस एक तो इसके ऊपर चार कितना होगा प्लस एक तो कैटानिक कॉम्प्लेक्स नाम क्या रहेगा प्लेटिनम ही रहेगा प्लेटिनम कितने डंडे दो और बाहर क्या रहेगा काउंटर क्या है क्लोराइड तो नाम क्या जाएगा भाई क्लोराइड क्लियर भाई ये नाम आपके सामने नेक्स्ट वन नाम स्टार्ट करते हैं भाई हम एट्स समझ आ रहे होंगे आई थिंक आपको सारे नेक्स्ट वन भाई एग्जांपल हमारा आठवां एग्जांपल क्या एग्जाम्पल भाई हमारा एच जी सी ओ एस सी एन की फोर इसका नाम बनाना भाई पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं कितनी बार है चार बार है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका चार ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसको क्या मानते हैं एक्स एच जी के ऊपर चार्ज कितना होता है भाई हमारा प्लस टू कितना चार्ज होता है प्लस टू होता है चेक कर लो एक बार एच जी मर्करी एच जी सी एल टू मरकरी क्लोराइड या एच जी ओ मर्क ऑक्साइड लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना है चेक कीजिए एक है? एक है मरकरी के ऊपर कितनी बार है वन बार कोबाल्ट के ऊपर चार्ज निकालना है एक्स क्रोस वन आई सो सोनेट के ऊपर कितना होता है माइनस वन कितनी बार है फोर टाइम्स ऊपर कोई चार्ज है नहीं है तो क्या देखेंगे जीरो मरकरी के ऊपर कितना यहाँ पे प्लस वन प्लस वन भी होता है प्लस टू भी होता है क्लियर तो प्लस वन प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू तो जीरो तो एक्स के ऊपर कितना आएगा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर भी हो चुका है कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो चुका है इसका नाम लिखते हैं पहले मरकरी का नाम लिखेंगे तो मरकरी आ गया आएगी मरकरी स्मॉल लेटर में उसके बाद क्या देना भाई स्पेस देना है और कितनी बार है टेट्रा थाटो तो। टेट्रा चार बार है टेट्रा और क्या है थायोसाइनेटो और चेक करो कैसा कॉम्प्लेक्स है इसको अलग करेंगे अगर कॉम्प्लेक्स तो कुण। क्या है एनाइनिक तो मेटल के नाम में के एटी। क्या जुड़ जाएगा ए टी कोबाल्ट नहीं होगा क्या जाएगा कोबालेट क्योंकि मरकरी के ऊपर चार्ज कितना है प्लस वन है और इसके ऊपर कितना कॉम्प्लेक्स के ऊपर पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना जाएगा माइनस वन कलिये क्योंकि तो जो स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर है वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन तो हमें तो चेक करना है वो कैटाइनिक है एनाइनिक है या न्यूट्रल है क्लियर <coughs> तो कोबाल्टेट कितना था भाई हमारे पास चार तीन तो तीन रोमन लेटर चलिए नेक्स्ट वन नाम करते हैं नाइन्थ हमारे पास अगला एग्जाम्पल भाई सी ओ एन की थ्राइस सी एल थ्री नंबर बाई डायट रिजांड है तो दो छह कॉर्डिनेशन कितना हो जाएगा छह क्योंकि ई एन के आई थे तो के लिए कितना काउंट होता है दो तो दो तिया छह कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सिक्स चलिए कोबाल्ट का निकालते हैं हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई एक्स कितनी बार है वन बाई ई एन के ऊपर चार्ज कितना है जीरो कितनी टाइम थ्री टाइम क्लोरिन के ऊपर माइनस वन कितनी बार है तीन बार ऊपर चार्ज कुछ नहीं तो जीरो चलिए एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो एक्स कितना आया प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट चलिए अब इसका नाम लिखते हैं कितनी बार है तीन बार तीन बार के बारिस क्या, क्या नाम आएगा? ना आएगा ट्रिस क्योंकि ये पहले से ही क्या है इथेन, -1 ,2, ट्रिस। अंदर क्या भाई? इथेन -1 ,2, अमीन ब्रैकेट बंद उसके बाद इसको अलग चेक कर लो एक चार्ज गिनना माइनस एक तो तीन एक कम तीन माइनस तीन चार तो इसके ऊपर चार्ज गिनना होगा प्लस तीन तो कोबाल्ट क्या रह जाएगा कोबाल्ट क्योंकि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है टाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट क्या रहेगा कोबाल्ट चार्ज कितना भाई तीन तो तीन डंडे और बाहर काउंटर आयन क्या है क्लोरीन तो क्या लिखेंगे क्लोराइड क्या लिखेंगे, क्लोराइड। है तो लिखेंगे नहीं है तो नहीं लिखेंगे क्लियर नेक्स्ट वन नाम अगला नाम करते हैं भाई हमारे पास क्या देगा भाई एन ए थ्री एन ए थ्री सी ओ एन ओ टू की सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बार है छह बार तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका कोबाल्ट का क्या मानते हैं एक्स एन के ऊपर चार्ज प्लस वन कितनी बार है तीन बार प्लस कोबाल्ट का एक्स कितनी बार है वन बार एन के ऊपर चार्ज माइनस कितनी बार है सिक्स टाइम ऊपर चार्ज जीरो तो प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स इजिक्वल टू तो जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है प्लस थ्री वैल्यू आती है अब इसका नाम लिखेंगे भाई पहले क्या आएगा सोडियम उसके बाद स्पेस देना है हेक्सा नाइट्राइटो नाइट्राइटो और क्या आएगा एन क्योंकि एन है और सीओ क्या है अलग चेक करते हैं ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है प्लस वन तो प्लस का तीन तो इसके ऊपर कितना माइनस तीन माइनस तीन का आइए हमारा क्या है, है? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है क्या है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा कोबाल्टेट कोबाल्ट क्या हो जाएगा कोबाल्टेट और तो डंडे कितने आएंगे हमारे कि तीन तीन चार क्लियर इस प्रकार से ये हमारा नाम हो जाएगा क्लियर चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम नेक्स्ट वन ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर इलेवन ए जी एन एस थ्री की टू कोऑर्डिनेट आइसोमरी जो है हमारा कोऑर्डिनेट आइसोमर्स कितना है ए जी एन एस थ्री की टू ए जी सी एन की टू अब दो हैं पहले इसका नाम फिर उसका नाम क्लियर ना इस प्रकार से दोनों के क्या होंगे अलग अलग नाम काउंट होंगे क्लियर भाई और चार्ज क्या जाते हैं आपस में क्लियर ट्रांसफर हो जाते हैं क्लियर चलो चार्ज निकालने होते हो तो यहां पे तो एक्स क्या जाएगा इसके ऊपर जीरो तो क्या चार्ज किया जाएगा जीरो यहां पे माइनस एक तो माइनस का दो तो एक चार्ज इसके ऊपर एक चार्ज इसके ऊपर क्लियर ना तो हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा वन वन हो जाएगा दोनों का इसका भी वन और इसका भी वन क्योंकि अमोनिया जीरो है इसके ऊपर माइनस वन तो दो एक कम दो तो एक इस पे एक इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा वन वन हो जाएगा क्लियर और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई इसका दो इसका दो इसका क्लियर ना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा टू टू इसका और टू इसका।, इसका, और इसका और इसका नाम क्या होगा भाई चलिए इसका नाम लिखते हैं डाई अमीन डाई अमीन ए जी का क्या क्या लिखेंगे भाई सिल्वर डाई अमीन सिल्वर One. दूसरा क्या होगा हमारा डाई साइनो डाई साइनो अब ये सिल्वर नहीं लिखा जाएगा रीजन है क्योंकि इसके आगे एक मेटल आ चुकी है क्लियर ना और इसके पास जो ये जो मेटल इसके आगे आई थी उसके कारण ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे कॉम्प्लेक्स है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है कैसा है एनाइनिक और ये कैसा था न्यूट्रल दिखाई भी दे रहा है इसके ऊपर था जीरो इसके ऊपर माइनस वन तो ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था ये कैसा हमारा एनाइनिक तो इसके ऊपर नाम में क्या जाएगा ए की जगह जाएगा आग्निटेट क्या आएगा ये वाला कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल और ये वाला कैसा है एनाइनिक तो नाम में क्या जुड़ जाएगा ए टी ई और चार्ज भी क्या है वन तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड क्लियर भाई चलिए और नाम करते हैं ट्वेल्थ नेक्स्ट वन नेम के थ्री एफ ई सी टू ओ फोर की थ्राइस कैसा रिजल्ट हमारा डायडे रिजल्ट है कितनी बार है तीन तो तीन दूनी छह कोऑर्डिनेशन में कितना होगा छः क्योंकि ये क्या है ऑक्जिलेट ऑक्जोलेट के क्या है डाइट है तो दो बार काउंट होगा तो तीन दुनी छह कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा सिक्स क्लियर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे एक्स पोटेशियम के पे चार्ज कितना होता है प्लस वन कितनी बार है थ्री टाइम्स फेरस का निकालना है एक्स कितनी बार है वन टाइम ऑक्जोलेट में कितना होता है माइनस टू कितनी बार है थ्री टाइम ऊपर चार्ज जीरो तो प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स इजिकल टू जीरो तो एक्स इजिकल टू प्लस थ्री ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया चलिए इसका नाम लिखते हैं तो पहले के का नाम क्या आएगा पोटासियम उसके बाद स्पेस देके के तीन के लिए ट्राई ऑक्जोलेटो ऑक्जोलेट है ना तो क्या लिखेंगे ऑक्जोलेटो और कैसा कॉम्प्लेक्स है भैया हमारा इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस वन तो प्लस का तीन एक कम तीन तो इसके ऊपर कितना होगा माइनस तीन तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा भी हमारा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स तो ये हमारी फेरस नहीं लिखी जाएगी क्या लिखी जाएगी फेरेट क्या लिखी जाएगी फेरेट और डंडे कितने आएंगे भाई तीन इस प्रकार से नाम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा क्लियर भाई आई थिंक आपको अगर फॉर्मूला दे रखा है तो नेम निकालना आ चुका होगा ऑक्सीडेशन नंबर भी कोऑर्डिनेशन नंबर भी सारी चीजें आ चुकी है आपको चलिए इनका रिवर्ट करते हैं उल्टा नेक्स्ट वन एग्जाम्पल थर्टीन अगर हमारे पास नाम है भाई नाम क्या भाई हेगजा अमीन अमीन कोबाल्ट थ्री सल्फेट अगर हमारे पास नेम जून दिया गया है नेम हमारे पास है और उससे फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई एग्जामिन का एन एस थ्री की छ है सिक्स कोबाल्ट का है सी ओ और कोबाल्टेट नियत क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है कैटाइनिक सल्फेट का बाहर क्या है एस ओ फोर क्या भाई बाहर है हमारा एस ओ फोर क्लियर ना और एस ओ फोर चार्ज गिरना है थ्री चार्ज है अब थ्री चार्ज कैसे किया जाएगा भाई इसके ऊपर चार्ज कितना होता है दो एसओ फोर में दो चार्ज होता है तो मल्टीप्लाई बाई तीन कितना चार्ज आया भाई तीन दूनी छ लेकिन कोबाल्ट हमारे पास कितना था एक है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो से तो इट इज मल्टीप्लाई बाई टू ऐसे हो जाएगा भाई ध्यान रखना बात को टू इसलिए लिखा है कि कोबाल्ट कितने हो गए टू अभी निकाल लो आप इसका चार्ज कैसे निकालोगे क्या माना इसको एक्स कितनी बार है टू टाइम्स प्लस अमोनिया ऊपर चार्ज जीरो मल्टीप्लाई दूनी बारह सल्फेट के ऊपर माइनस टू कितनी टू बार, बार, तो एक्स प्लस जीरो तो 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 बात समझ में आई क्लियर ना तो इस प्रकार से करना है चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन नाम क्या भाई हमारे पास पोटेशियम उसके बाद स्पेस दे रखा है टेट्राक्लोराइडो टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट पैलेडेट और चार्ज कितना भी हमारा दो पोटासियम का क्या है के आगे मिलेगा टेट्रा क्लोराइड का क्या है Cl4 और पैलेडेट का क्या है पैलेडियम है यानी पी PdCl4। पी चार्ज चेक करना कितना है भाई दो और इसके पास कितना चार चार तो इसको किसी को कर देंगे दो से तो क्या हो जाएगा के टू, आप निकाल सकते हो इसका कितना आएगा दो आएगा क्योंकि चार में से दो गया दो तो फिर क्या हो जाएगा के टू पी डी सी एल फोर अगर इकट्ठा लिखना हो तो के टू पी डी सी एल फोर भाई इस प्रकार से क्लियर चलिए और एग्जाम्पल लेते हम नेक्स्ट वन एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा डाईमीन क्लोराइडो डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो एन और उसके बाद क्या हुआ प्लेटिनम प्लेटिनम और दो डंडे हैं भाई चलिए डाई अमीन का है एन एस थ्री की टू क्लोराइडो का क्या सी एल और नाइट्राइटो का मान क्या है हमारे पास क्या है भाई एनओ टू नाइट एन है ना अगर ओ होता तो ओ एन ओ नाइट राइटो प्लेटिन के लिए पी टी डे दो चेक लो एक इसके ऊपर चार्ज एक इसके ऊपर चार्ज तो कंप्लीट ये हमारा क्या हो गया भाई नाम हो गया क्लियर नेक्स्ट वन सिक्सटीन अगर हमारे पास नाम दे रखा भाई पैंटा अमीन नाइट एन अमीन नाइट्राइटो एन और उसके बाद क्या भाई कोबाल्ट और डंडे क्या भाई तीन तो पैंटा मेनि एन एस थ्री की फाइव फिर क्या भाई हमारे पास नाइट्राइटो एन है तो एन ओ टू और प्लेटिन कोबाल्ट के लिए सी ओ भाई इस प्रकार से और चार्ज कितना भाई हमारे पास तीन लेकिन इसके पास कितना होता एक तो माइनस का एक उधर जाएगा तो भाई सिंपल सी बात है माइनस का एक उधर जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा प्लस टू क्या चार्ज करते हैं प्लस टू क्योंकि दो और एक तीन क्योंकि डंडे कितने तीन तो ध्यान रखना यहां पे चार्ज आ जाएगा प्लस टू क्लियर भाई नेक्स्ट वन एग्जाम्पल सेवनटीन पैंटा नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थ्री पेंटा अमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट यानी सारी चीजें सेम रहेंगी फर्क क्या आएगा खाली सीओ एनओ टू की जगह क्या हो जाएगा ओ एन ओ एन एस थ्री की कितनी हो जाएगी फाइव टोटल और ऊपर कितना आएगा टू पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से भाई क्लियर भाई और कोई करना हो एग्जा मीन प्लेटिनम फोर एग्जा अमीन प्लेटिनम फोर हेग्जा अमीन प्लेटिनम और चार्ज क्या भाई फोर चलिए एग्जामिन क्या क्या है एन एच थ्री की छः प्लेटिनम क्या होता है पी टी और चार्ज कितना चार इसके ऊपर क्या ना होता है जीरो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फोर पॉजिटिव सिंपल सी बात है फोर पॉजिटिव क्लियर ना भाई ये इस प्रकार से तो ये था भाई हमारा कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूलो से नेम बनाना और नेम से फॉर्मूले बनाना नोट सो डिफिकल्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हो जाएंगे आपसे चलिए नेक्स्ट वन आपको मैं कुछ कहता हूँ एक नाम अगर ब्रिज बॉन्डिंग के नाम हो ब्रिज बॉन्डिंग में क्या होगा चलिए ये भी आपको मिल सकते हैं हमारे है पास क्या है एन एच थ्री की फाइव सी आर ओ एच सी आर एन एच थ्री की फाइव और बाहर क्या है भाई सी एल फाइव है तो इस टाइप की बॉन्डिंग में क्या होती है ब्रिज बॉन्डिंग होती है क्या होती है भाई ब्रिज बॉन्डिंग होती है चलिए नाम स्टार्ट करते हैं अमीन कितनी बार पांच बार तो पेंटा अमीन पेंटा अमीन और सीआर के लिए क्या है क्रोमियम क्या भाई क्रोमियम चार चेक कर टोटल क्या है ओ के ऊपर माइनस एक इसके ऊपर पांच पांच और एक छ चार्ज है यानी छ चार्ज क्रोमियम कितने एक और एक दो एक क्रोमियम ये रही एक क्रोमियम ये तो दो तिया छह तो तीन एक क्रोमियम पे तीन दूसरी क्रोमियम पे इस चार्ज कितना आएगा भाई तीन क्लियर अब ये जो ओ OH एच है ये ओ OH, एच ये ओ एच OH किसमें प्रेजेंट है ब्रिज बॉन्डिंग में है ब्रिज की शेप में है ब्रिज शेप में होता है ना ऐसे ब्रिज से जो शेप होती है इस प्रकार से जो ब्रिज शेप बन जाती है यानी इन टू तो द फॉर्म ऑफ ब्रिज शेप इस प्रकार से एक ब्रिज की शेप होती है तो उसके नाम के लिए नाम में जो जाता है म्यू क्या लिखा जाएगा म्यू और ओ एच ब्रिज शेप में क्या लिख देंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सो तो क्या लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो Clear? अब इसका काम खत्म हो चुका है फिर से वही पेंटामीन। पेंटा अमीन और ये हमारे क्या फिर से क्रोमियम क्योंकि ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो नाम क्या रहेगा एज इट इज क्रोमियम चार्ज क्या है थ्री और बाहर क्या है क्लोराइड तो क्या लिखा जाएगा क्लोराइड इस प्रकार से ये नाम आ जाएगा भाई ब्रिज बॉन्डिंग के लिए क्या आएगा भाई म्यू ब्रिज बॉन्डिंग के लिए क्या आएगा म्यू और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लिख देंगे क्लियर ये हमारा भाई ब्रिज बॉन्डिंग के लिए ये आपकी नई चीज थी हम बता नहीं पाए थे तो इसको हमने आपको बता दिया है चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ब्रिज बॉन्डिंग का आपके सामने एक और लेते हैं ब्रिज बॉन्डिंग के लिए नेक्स्ट वन एग्जांपल हमारे पास क्या है भाई ई e एन की टू ई एन की क्या है टू है हमारे पास ब्रिज बॉन्डिंग के लिए ई e एन की टू ई एन की टू सी ओ कोबाल्ट है एन एच यहाँ पे क्या है ओ एच सी ओ ई एन की टू और पूरे के ऊपर चार्ज कितना भाई थ्री पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव चलिए इसका नाम लिखते हैं दो बार है दो बार के लिए क्या आएगा बिस क्योंकि पहले से ही इसके अंदर नाम है बिस इथेन वन टू डाई अमीन बिस इथेन वन टू डाई अमीन क्लियर उसके बाद क्या हमारी सी ओ सी ओ क्या हमारी कोबाल्ट बाल्टीओवाई क्या हमारी कोबाल्ट अब ये ब्रिज बॉन्डिंग है एन एच ये इमिडो है ये हाइड्रोक्सी है यानी ये इमिडो लिखा जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा हाइड्रोक्सो तो पहले क्या लिखेंगे आई आएगा ना इमिडो आई इमिडो पहले आएगा और हाइड्रोक्सो का एच बाद में कैसे लिखे जाएंगे एल्फोबेटिकली और साइन क्या आएगा म्यू म्यू इमिडो और म्यू म्यू इमिडोर म्यू हाइड्रोक्सो चलिए पेन हमारा खत्म हो चुका है दूसरा पेन एक बार क्या है म्यू इमिडो और म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमिडो और म्यू हाइड्रोक्सो और <coughs> उसके बाद इसका काम खत्म हो चुका है फिर से वही हमारे पास क्या है बिस इथेन वन टू तो डाइमीन बिस इथेन वन टू डाई अमीन और सीओ क्या क्या भाई हमारी कोबाल्ट कोबाल्ट और डंडे कितने आएंगे हमारे पास तीन तो कोबाल्ट के बाद डंडे कितने आएंगे भाई तीन ठीक है ना कोबाल्ट तीन और बाद में क्या लिखेंगे आयन क्योंकि चार्ज क्या है पॉजिटिव तो क्या लिख देंगे आयन और पहले वाले कोबाल्ट के साथ रह गया था हमारा वैसे हमारा चार्ज कितना इसके पास एन के पास जीरो OH के पास माइनस वन इसके पास माइनस टू तो दो और एक तीन तीन और तीन छो को बता दो छबाल्ट तो के पास भी कितना आएगा तीन आएगा क्लियर इस प्रकार से ये नाम हो जाएगा दोबारा ध्यान दे लीजिए बिस इथेन वन टू डाइमिन सीओ के लिए कोबाल्ट चार दोनों के ऊपर कितना था छ था तो दो छीन तीन हो जाएगा तीन म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सो आई और एच था तो आई एल्फोबेटिकली पहले आता है एच बाद में तो म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सो उसके बाद फिर से बिज इथेन टू डाइमिन क्योंकि क्या है ये बाई डाइनेटी जान है तो इसमें डाई वर्ड पहले से ही आ रहा है तो डाई नहीं आएगा बार बार डाई क्या आएगा बिस इथेन वन टू डायोमीन सीओ क्या है कोबाल्ट क्लियर क्योंकि कौन सा कॉम्प्लेक्स है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो चार्ज गिना था इस परीन और पॉजिटिव चार्ज था क्या लिखेंगे आयन बार क्या लिख देंगे आयन क्लियर भाई ये भी हमारा क्या था भाई ब्रिज बॉन्डिंग का एग्जाम्पल था इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ bridge wounding